अब हम इस चौक को ऊपर करके देखेंगे कि बाइक चालू होती है या नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मैकेनिक दोस्त मोहम्मद रफ़ीक। मेरे दोस्त, आज हमारी बाइक जो है आप देख रहे हैं रोड पे ही बंद पड़ गई है। हम कहीं जा रहे थे काम से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बाइक जो है वो बंद पड़ गई है। तो अब हम इसे कैसे चालू कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ चेक करना होता है वो हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मेरे भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो स्विच है वो ऑन हो चुकी है। उसके बाद जो है मेरे भाई, सबसे पहले हम इसमें पेट्रोल वाली लाइन को चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो पेट्रोल लाइन है वो ऑन है, इस तरीके से रिजर्व पोजीशन में होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको ऑफ कर लेंगे, उसके बाद इसके पेट्रोल वाली लाइन को आपको दिखाएँगे कि ये जो है यहाँ से पेट्रोल की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी बाइक में पेट्रोल है या नहीं है, आपकी बाइक जो है वो पेट्रोल पा रही या नहीं पा रही। आप देख सकते हैं इसमें से पेट्रोल सप्लाई बिल्कुल ठीक है और यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से अब हम इस पाइपलाइन को वापस लगा देंगे और पेट्रोल को चालू कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेक कर लीजिए कि आपका पेट्रोल सप्लाई ऑन है या। उसके बाद मेरे भाई, यहाँ पर हमको चेक करना है कि हमारी बाइक में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्लग टैब को यहाँ से निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको घुमा लेंगे। इस तरीके से आप इसे घुमा कर टर्न करके इसके कवर को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपकी बाइक में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस वजह से आपकी बाइक बंद हुई है, ये चीज़ सबसे पहले आपको कंफर्म करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने वहाँ पर सबसे पहले पेट्रोल वाली लाइन को चेक किया। अब यहाँ पर आप करंट को कुछ इस तरीके से चेक कर पाएंगे कि आपकी बाइक में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं इसमें करंट की सप्लाई बिल्कुल ठीक आ रही है और इसमें करंट में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम अगले स्टेप में इसके प्लग को ओपन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके प्लग में कचरा है, कार्बन है, क्या है, ये गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो चलिए अब हम इसके प्लग को खोलते हैं। तो प्लग को खोलने के लिए, अगर अमूमन आपकी बाइक कहीं रास्ते में बंद पड़ जाती है तो आपके पास कोई रिंच पाना तो होता नहीं है, सिर्फ़ आपके टूल किट में जो चीज़ें होती हैं उसी की मदद से आप अपनी बाइक को इस तरह से रास्ते में ठीक कर पाएंगे। तो अब हम इसे कैसे प्लग को खोलते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इस वाली चाबी से यहाँ पे जो टूल बॉक्स लगा होता है, आप देख लीजिए, यहाँ पे इस टूल बॉक्स को खोल लेंगे। इस तरीके से खोलने के बाद अगर आपकी बाइक में ये वाला टूल किट होगा तो इसकी मदद से आप अपनी गाड़ी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये वाला जो है किट नहीं है आपकी बाइक में, तो मेरे ख्याल से आपको बाइक को खींच कर ही ले जाना पड़ेगा गैरेज तक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको आपको दिखा देते हैं कि इस टूल किट में क्या क्या पार्ट्स हमने रखा हुआ है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्रू ड्राइवर है, और यहाँ पे अगर कभी चैन वैन टूट जाए या मतलब चैन लॉक निकल जाए तो उसको सेट करने के लिए हमारे पास ये वाला प्लास है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चैन कवर को खोलने के लिए या और कोई प्रॉब्लम आ जाए बाइक में तो उसके लिए हमने इसमें 10-12 नंबर की रेंच को रखा हुआ है। उसके बाद ये है हमारा जो साकर है पिछला एडजस्ट करने वाला, ये तो कंपनी खुद ही टूल बॉक्स में इंक्लूड करके देती है, तो ये वाला इसमें पड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला प्लग पाना है, इसकी सहायता से हम प्लग को खोलेंगे। प्लग में कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके प्लग को ओपन करेंगे, आप देख लीजिए इस तरीके से आप इसे खोल पाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो है प्लग ढीला हो गया है। अब हम इसे प्लग पाना की सहायता से आपको दिखा देते हैं कि कैसे ओपन करना है। तो इस तरीके से आप इसे ओपन कर पाएंगे, और ओपन करने के बाद आपको इसके प्लग को साफ़ करना है। तो साफ़ करने के लिए आप इसमें कपड़े की सहायता से अगर साफ़ करेंगे तो कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। आप देख लीजिए इसका जो प्लग है इसमें कचरा है, और इस कचरे को कैसे हम साफ़ करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। प्लग को साफ़ करने के लिए हमारे पास ये वाला तार है, आप देख लीजिए इस तार की मदद से हम प्लग को साफ़ करेंगे। क्योंकि अगर हम इस प्लग को कपड़े की सहायता से या फिर
किसी और चीज़ की सहायता से साफ़ करेंगे तो ये उतना क्लियर साफ़ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के स्टार्टिंग होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये वाला जो तार है वो हमने काट के जो है पहले से ही रखा हुआ था। आप देख सकते हैं इस वायर को, आप जो है जब आपका ये क्लच केबल टूट जाए तो उस वायर को थोड़ा सा इस तरीके का एक हिस्सा आप काट कर अपने टूल किट में रख लीजिए, ताकि अगर इस तरीके से जिस तरीके से हमारी गाड़ी बंद पड़ी है, अगर आपकी गाड़ी कहीं बंद पड़ जाए चलते चलते, तो इस वायर की मदद से आप प्लग को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये वायर बहुत ही यूज़फुल है। अब हम इसके प्लग को आपको क्लीन करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम इसके प्लग को क्लीन करेंगे तो इस वाले तार को जो है हम इसके अंदर वाले हिस्से में डालेंगे, जिससे अंदर का जो कार्बन है वो सब साफ़ हो जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसके प्लग को क्लीन कर रहे हैं। मेरे दोस्त, अब हम इस तरीके से आपको क्लीन करके दिखा रहे हैं। इसी तरीके से आप भी प्लग को साफ़ कर सकते हैं। और इसके जो पॉइंट होते हैं, ये वाली जो पॉइंट होती है यहाँ पे, ये वाली, इस पॉइंट को भी खूब साफ़ कर लेना है, जिसकी वजह से आपका जो प्लग पे जो स्पार्किंग होती है वो स्पार्किंग बेहतर हो सके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम इसे साफ़ कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी साफ़ कर लेना है इसके प्लग को। इसको साफ़ करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायर जहाँ पे हम इसके बीच में डाल रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको भी इसी तरीके से वायर को यहाँ पे डाल देना है इस तरीके से। और इसके बाद इस तरीके से आपको इसे घुमाना है कि ताकि अंदर बाहर के जो भी सारे कार्बन हैं वो निकल जाएं और आपका जो प्लग है वो बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में आ जाए। तो मेरे भाई, हम यहाँ पर इसके पॉइंट में थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे ताकि ये जो प्लग है, अंदर जो भी कचरा है वो बाहर आ जाए। आप देख सकते हैं इस स्क्रू को ढीला करेंगे तो हमें जो है पेट्रोल मिल जाएगा अपने प्लग को साफ़ करने के लिए। और यहाँ से ढीला करने का एक फ़ायदा और होता है कि अगर आपकी बाइक में थोड़ा भी पानी होगा या कचरा होगा तो वो भी साथ में निकल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इस स्क्रू को यहाँ पे कुछ इस तरीके से ढीला कर लेंगे और इस तरीके से आपको प्लग को क्लीन कर लेना है। थोड़ा सा प्लग को इसी तरीके से आपको क्लीन करना है पेट्रोल से। तो इस तरीके से प्लग को जब आप क्लीन कर लेंगे तो अंदर जो भी कचरा रहा होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। अब हम इस स्क्रू को, यहाँ पे लगे स्क्रू को आप देख सकते हैं, इस स्क्रू को टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से। आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो है टाइट हो चुका है कार्बोरेटर वाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्लग कितना सुपर क्लीन हो गया है इसको साफ़ करने के बाद। तो इस तरीके से आप इसके अंदर वाले सारे कचरे को निकाल पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको प्लग को क्लीन करना है। और इसे क्लीन करने के बाद हम बाइक में फिटिंग करके देखेंगे कि ये बाइक स्टार्ट होती है या नहीं होती है। अगर इसे साफ़ करने के बाद भी आपकी बाइक स्टार्ट ना हो तो उस कंडीशन में आपको इसके प्लग को रिप्लेस करने की ज़रूरत होगी। मेरे दोस्त, इसी तरीके से आप प्लग को दोबारा फिटिंग कर पाएंगे। आप देख लीजिए हम इसे हाथ के इशारे से टाइट कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी इसे टाइट कर लेना है। अब इस तरीके से हम प्लग पाने को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसे एडजस्ट करने के बाद इसको ड्राइवर की मदद से कुछ इस तरीके से हम इसमें फंसा लेंगे इसको। और इसको फंसाने के बाद हम हल्का सा इसे आराम से इसे टाइट कर लेंगे। तो हमारा प्लग अब टाइट हो चुका है। अब हम इस प्लग कैप को यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। अब ये हमारा प्लग कैप लग चुका है। अब हम बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे कि बाइक स्टार्ट होती है या नहीं होती है। आप देख सकते हैं इसकी बैटरी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उसके बावजूद ये सेल्फ स्टार्ट हो गई है, आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी बाइक में अगर प्लग वाली प्रॉब्लम आती है या चलते चलते बंद हो जाती है, तो इसी तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बाइक चल रही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप जब प्लग को क्लीन करेंगे तो उसके बाद आप बाइक को चलाएँगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं बाइक को चला रहे हैं और बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।